सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहाँ कहीं भी हैं अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। और आज की ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है दोस्तों दोपहर के 12 बजे से। तो बाहर काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है, बाकी मौसम आजकल बारिश वाला भी हो ही रहा है। तो काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग ला रहा हूँ, ये तो क्या ही बोले, आदत सी पड़ गई कभी कभी आने की, कभी कभी ना आने की। तो दोस्तों आज छोड़ो और आज मेन टॉपिक की बात करते हैं। तो आज है दोस्तों हमारे गांव में बाबा बौखनाथ जी का आगमन। हर साल की भांति इस बार भी दोस्तों बाबा बौखनाथ जी का मेला है। तो चलो दोस्तों बने रहिए, मंदिर में चलते हैं। उससे पहले अभी नहाने जाते हैं और थोड़ा सा मौसम का अपडेट दे दें। तो मौसम आपका काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा चारों तरफ बादल से आ गए हैं, बीच में चमकती धूप है। तो चलो दोस्तों अभी थोड़ा नहा लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना, और उसके बाद मिलते हैं आपको, ठीक है? तब तक आप मौसम में एक अपडेट देख लो। सो गाइस, तो फाइनली मैं आपको मिल रहा हूँ नहाने के बाद, और नहाने के बाद का लुक है मेरा कुछ इस प्रकार से। तो बाकी दोस्तों अभी एक काम करते हैं, जैसे कि बाप बौखनाथ जी आ रहे हैं तो उनके लिए इधर फूल है, देख सकते हैं आप यहाँ पे फूल लगे हुए हैं। तो फूलों को निकालते हैं थोड़ा सा स्वागत के लिए, शायद हो सके तो माला बनाएं। तो देखते हैं, थोड़ा सा मैं सिंगल यहाँ पे हूँ, अभी शूट करने में थोड़ा दिक्कत होगी वीडियो को। तो फूल निकालते हैं और फिर मिलते हैं आपको सीधे फूल निकालने के बाद। तो चलो निकालते हैं दोस्तों फूल। फूल बहुत प्यारे प्यारे हैं भाई, देख सकते हैं आप यहाँ पे पीले ज़्यादा कलर के फूल हैं, पीले और गुलाब के, देखो यहाँ पे वाओ। तो चलो निकालते हैं, फिर मिलते हैं। सो गाइस, तो फाइनली जो फूल है वो मैंने निकाल दिए हैं, लगभग सारे, मतलब सारे क्या है दोस्तों, ये है इतने से कुल। तो भाई बहुत, इस बार तो इतने फूल का क्या करना। तो इससे दोस्तों एक माला भी नहीं बनने वाली, क्योंकि इस बार फूल लगे ही नहीं, बहुत कम लगे हुए, इक्का दुक्का। पिछले बार तो बहुत ज़्यादा थे, जब पिछली बार मैंने अब फूल निकाला था, बाकी आप ब्लॉग देख लेना। तो अभी फूल तो निकाल दिए हैं और अब चलते हैं यहाँ से दोस्तों गांव के मंदिर में, जहाँ पे सहस्त्र बाहु कुंड हमने बताया होगा सहस्त्र बाहु राजा के बारे में। तो वहीं पर जो बगल में कुंड मंदिर था ना, आज वही मंदिर है दोस्तों, वहाँ जाना है। वहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, गांव के सभी भाई लोग भी आएंगे, तो मिलजुल के सभी वहां पे माला बनाएंगे, जो जैसे कि फूल तोड़ के, तो थोड़ा और व्यवस्था भी करेंगे और सफाई भी करेंगे। बाद में 5-6 बजे बाबा बौखनाथ को लेने मंदिर के पास जाएंगे, जो कि यहां से लगभग 1 किलोमीटर बोल सकते हो, 1 किलोमीटर लगभग लगभग भगवती मंदिर यहाँ से मार्केट की तरफ पड़ता है मंदिर। तो वहाँ का ब्लॉग मैं ज़रूर निकालूंगा आपके लिए एक दिन। तो इससे पहले चलो ज़्यादा नहीं बोलते हैं और चलते हैं अभी गाँव के मंदिर की ओर, यानी इस साइड। और बाकी बाहर तो धूप बहुत तेज हो रही है भाई, कहीं बोले तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। सो फाइनली दोस्तों, तो अभी चलते हैं यहाँ से मंदिर के लिए, उन फूलों को लेके और फूलों की व्यवस्था भी करते हैं अगर होगी कहीं से। बाकी चलते हैं दोस्तों यहाँ से अभी मंदिर के लिए, और ये कुछ फूल हैं तो इनको ले जाते हैं मंदिर के पास। बाकी आपको दोस्तों मंदिर के पास ही मिलते हैं सीधे। गाइस, तो अभी फाइनली मंदिर के पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पे भाई लोग लगे हैं माला बनाने में। तो ये आम के पत्ते हैं, आम के पत्ते से कुछ बच्चे इस प्रकार से फोल्डिंग मैंगो देखते हैं यहाँ पे फ्रिज के अंदर धागा को सजा रहा है। तो फाइनली जो उसका लुक होगा माला का आपको लास्ट में दिखा दूंगा। बाकी अभी यहाँ पे माला बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको, ठीक है? बाकी अभी यहाँ पे ना एक बढ़िया काम हो चुका है, आज हमने जोड़ा थोड़ी देर पहले, इसलिए ब्लॉग शूट नहीं कर पाया।
हमने कहा है माइक, क्योंकि भाई अगर गांव में कुछ कार्यक्रम होता है तो किसी को पता ही नहीं होता, फिर माइक पे अनाउंसमेंट करके आराम से गांव वालों को बताया जा सकता है। तो काफी अच्छी बात है भाई, ये चीज तो आनी चाहिए ऐसे। तो चलो अभी यहाँ पे काम है इसको करते हैं फिनिश, फिर मिलते हैं आपको। सो गाइस, तो ये फाइनली माला का लुक है। तो ये माला हमने बनाई, तो ये माला बाबा भोगनाग में चढ़ने वाली है। चलो इसके बाद चलते हैं दोस्तों यहाँ से बाबा भोगनाग के मंदिर मार्केट में, जहाँ से बाबा की डोली आएगी। बाबा भोगनाथ जी का झामड़ है और अभी जा रहे हैं दोस्तों झामा लेके मंदिर के पास, जहाँ से बाबा भोगनाथ जी की डोली सच के आएगी। तो सभी यहाँ पे हैं यंग लड़के जो कि चलेंगे बाबा भोगनाथ जी की डोली लेने मार्केट। तो बस चलते हैं। फाइनली पहुंच गए हैं माँ भगवती के मंदिर के पास और यहाँ पे अभी बाबा भोगनाथ की डोली सजेगी हर साल की भांति। तो अभी आ गए हैं फाइनली सभी लोग यहाँ पे, आप देखते हैं थोड़ा सा सनलाइट अफेक्ट पड़ रहा है। बाकी देखते हैं पीछे आ रखे हैं, तो ये वाली बाबा भोगनाथ की डोली है और उस साइड है माँ भगवती की डोली, ये वाली डोली अभी सजने वाली है। तो इस डोली का भी फाइनल लुक आपको दिखा लूँगा। तो चलो अभी बने रहिए, बाबा भोगनाथ की कृपा सभी और बने रहिए। और कल है मेला यानी 10 जुलाई, तो कोशिश रहेगी पूरा मेला रिकॉर्ड करने की। तो देखते हैं कब तक क्या होता है। चलो बने रहिए, अभी डोली सजने वाली है। सो दोस्तों, तो एक बात आपको एक अपडेट मैं जरूर दे दूं कि जैसे कि अभी हम आ रहे हैं माँ भगवती के मंदिर के पास, जो कि गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। इसके जस्ट बगल में एक नया मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर दिख रहा होगा आपको। इस मंदिर का नाम है श्री लक्ष्मी नारायण जी मंदिर। तो ये कुछ समय पहले तो ये मंदिर छोटा था और सीमेंट का था, और अब ये कंक्रीट को छोड़ रही है पत्थरी पत्थरों का और लकड़ी का देवदार की, और इन पे जो ये पटाल टाइप की लगी हुई कुछ इस प्रकार की, ये कहा जाता है कि हिमाचल से मंगाई गई है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये नया मंदिर बन रहा है लक्ष्मी नारायण जी का, तो ये उसको बनने में भी लगभग दोस्तों लगेगा 2-2.5 साल लग सकते हैं इसको कंप्लीट होने में, क्योंकि इसमें ब्रिक काम बहुत ज़्यादा है इसके बाद, और इसको लगभग बनते बनते 4-5 साल भी हो ही गए हैं। तो जब ये पूरा फाइनल हो जाएगा फिर आपको इसके बारे में पूरी जितना इतिहास होगा इस मंदिर का बताऊंगा अपने ब्लॉग के माध्यम से। फिलहाल तो अभी हम आ रहे हैं बाबा भोगनाथ जी को लेने यहाँ मंदिर के पास, तो अभी मेले पर ज़्यादा फोर्स रखेंगे, अन्यथा चीज़ें तो अभी फालतू जोड़ेंगे नहीं। बाकी अभी बाबा भोगनाथ जी की डोली सज चुकी है लगभग, तो अभी दिखाते हैं आपको बाबा भोगनाथ जी की डोली और आशीर्वाद लेते हैं बाबा भोगनाथ जी का, क्योंकि इसके बाद बाबा भोगनाथ जी ने वापस गांव की ओर प्रस्थान करना है, जहाँ पे कल 10 जुलाई को मेला मनाया जाएगा। तो आप अधिक से अधिक आएँ और बाबा भोगनाथ जी का मिलेगा आपको। दोस्तों अभी बाबा भोगनाथ जी के दर्शन कराते हैं, डोली सज चुकी है लगभग। तो चलो दोस्तों, फाइनली दोस्तों बाबा भोगनाथ जी बाहर आ चुके हैं और डोली के अंदर विराजमान हो रहे हैं। बट उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे हम सभी जंगल में होंगे, बच्चे बहुत तेज चिल्ला रहे थे, तो एक राउंड जरूर देखना इस क्लिप को।
फाइनल दोस्तों बाबू नागी पाल की सचखंड के वापसी पर बोट गाँव के लिए तैयार हो चुकी है। तो अभी बाबू नाथ जी को उनके गर्भगृह से बाहर आकर बरकोट गाँव के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वापस बरकोट गाँव की ओर। तो फाइनल जिस चीज की इंतजारी थी वो समाप्त हो चुकी है और बाबा बौकनाग जी जो कि हमारे आराध्या देव हैं तो ये फाइनली गांव में आ चुके हैं। और अभी बाबा बौकनाग जी हैं गांव के मंदिर के पास जहां की हमने थोड़ी देर पहले आए थे दिन में सफाई करने। तो बाबा बौकनाग जी हैं और आज 9 जुलाई तो आज बाबा बौकनाग जी आए और कल 10 जुलाई को बाबा बौकनाग जी का मेला है। तो आप अधिक से अधिक आएँ भाई, अगर नहा सकते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो के थ्रू मेला ज़रूर देखें, ये आपसे निवेदन है। तो ये बाबा बौकनाग जी। तो बाकी अभी यहाँ पे शाम के टाइम भजन कीर्तन होगी, आरती होगी, तो बने रहिए, दिखाएंगे आपको। बाकी आपको इस बार ये रही कि मेले कम और जो इतिहास है बाबा बौकनाग जी का मेले पे वो ज़्यादा रहेगा। तो देखते हैं क्या सीन रहता है, समय लगेगा तो ज़रूर निकालेंगे इतिहास भी बाबा बौकनाग जी का। बाकी तो ब्लॉग तो निकल ही रहा है, तो बने रहिए, क्या कुछ होगा आपको ज़रूर अपडेट देंगे। गाइस तो फाइनल अभी घर पे आ चुका हूँ और फाइनल जो आरती थी वो कंप्लीट हो चुकी है और अभी बच चुके हैं रात के दोस्तों 10। तो फिलहाल इस ब्लॉग को अभी एडिट करते हैं और इस ब्लॉग के यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो थैंक यू सो मच, बाय।